वेलकम बैक श्रीमयी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को ज़रूर ज़रूर क्लिक कीजिए और कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। आज हम लोग कॉलर नेक कुर्ती स्लीवलेस कटिंग करेंगे और नाप के यहाँ नाप दिया हो इसी के अकॉर्डिंग कटिंग करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैंने कपड़े को टू फोल्ड में कर लिया है और ओपन साइड से हम लोग कपड़ा कटिंग करेंगे क्योंकि ये फ्रंट ओपन कुर्ती है और कुर्ती का लेंथ है 43। इसके साथ 2 ऐड करेंगे और नाप लगा लेंगे। अब हम लोग गले के साइड शोल्डर का नाप लगाएंगे, शोल्डर का हाफ करेंगे, उसके साथ हाफ ऐड कर लेंगे क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है। और आर्म होल लेंगे चेस्ट का 1/4 प्लस 1/4 माइनस 2। यहाँ पे मैंने आर्म होल लिया है 7 इंच पे और चेस्ट का मेजरमेंट है 1/4 प्लस 2। यहाँ का जो नाप लिया है वो है और 1.5 इंच पे आर्म होल की गुलाई दे देंगे। अब वेस्ट का मेज़र करेंगे, वेस्ट है 14.5। यहाँ पर हमने 15 पर नाप लगाया, मार्क किया और यहाँ भी चेस्ट वेस्ट का 1/4 प्लस 2 इंच लेंगे। हम लोग 2 इंच लेंगे स्लिम अलाउंस के लिए, 1 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। और साइड स्लिट के लिए मार्क करेंगे 21 इंच पर। और यहाँ पर हिप का 1/4 लेंगे प्लस हम लोग इस यहाँ पर हाफ करेंगे। फ्रेंड मैंने एक बात बताना भूल गई कि फ्रंट साइड हम लोग 1/2 इंच छोड़ के मेज़र करेंगे क्योंकि 1/2 इंच सेम अलाउंस में फ्रंट पट्टी में 1/2 इंच सिलाई में जाएंगे। और नीचे भी चेस्ट का जितना मेज़रमेंट लिया था 12 इंच 11.5 इंच यहाँ भी वही लेंगे। हाफ इंच फ्रंट के लिए हम लोग छोड़ देंगे। गले के लिए 3 इंच पर मार्क लगाएंगे और डीप लेंगे हम लोग 5 इंच पर क्योंकि गर्मी का सीजन है, ज़्यादा छोटा गला होने से गर्मी ज़्यादा लगेगी। और शोल्डर को 0.75 या 1 इंच डाउन कर देंगे क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है, 1 इंच डाउन करने से ज़्यादा अच्छा होता है। और गले को गुलाई दे देंगे। फिर हम लोग इसको कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स फ्रंट का जो सिलाई का 1/2 इंच वो छोड़ना मत भूलिए। मैंने यहाँ पे हिसाब में कर लिया लेकिन बताना भूल गई। फ्रंट साइड से 1/2 इंच छोड़ के नाप लगाएंगे, अभी कटिंग कर लेंगे। फिर हम लोग बाद में फ्रंट आर्म होल की गुलाई देंगे, डीप कर लेंगे 1/2 इंच और कमर पे और वेस्ट और हिप पे मार्क लगा लीजिएगा, नहीं तो फ्रंट और बैक में प्रॉब्लम हो सकती है। अब कपड़े को जहाँ से आर्म होल लिया था उसी से मेज़र करेंगे तो हम लोगों का थोड़ा कपड़ा बच जाएगा। अब बंद साइड में फ्रंट साइड को रख देंगे। यहाँ भी जो 1/2 इंच हम लोगों ने छोड़ रखा था यहाँ भी हम लोग 1/2 इंच छोड़ के कपड़े को बिछा लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग कपड़ा कट कर लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर शोल्डर में हम लोग 1/2 इंच ज़्यादा लेंगे क्योंकि ये कॉलर नेक कुर्ती है, 1/2 इंच ऊपर कर लेंगे बैक पोर्शन पर। लेकिन आर्म होल के साइड हिसाब से ही रखेंगे, सिर्फ गले के साइड 1/2 इंच आप कर देंगे और वही 1/2 इंच हम लोग गुलाई कर लेंगे गले के लिए।
और फ्रंट साइड, बाकी फ्रंट साइड के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कटिंग कर लेंगे। बैक साइड कटिंग के बाद हम लोग फ्रंट आर्म होल का डीप कटिंग करेंगे। यहाँ पे डीप हम लोग हाफ इंच या 1/4 इंच यानी 0.75 कटिंग करेंगे, क्योंकि ये स्लीवलेस कुर्ती है और शोल्डर बड़ा रखा हुआ है। अब फ्रंट आर्म होल और नेक की कटिंग कर लेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे 0.75 इंच पर मार्क किया है, नहीं तो फिटिंग अच्छा नहीं होगा। गले को भी कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग हो चुका, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टिचिंग करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।